Oi! चलेगा क्या? हाँ चलूंगा ना। कितने पैसे लेगा? आप दोनों? ₹10,000। बस 10,000? तुझे पूरे 20,000 दिए, पर तुझे घर चलना पड़ेगा। घर नहीं जाता मैं। अरे 20,000 बहुत होते हैं, और अगर तुम्हें पसंद आ गया तो हो सकता है हम तुझे ज्यादा पैसे दे दें, क्यों नहीं? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलूंगा। तो चल गाड़ी में बैठ। अरे अब वहां क्यों खड़े हो? आओ ना यहाँ बैठो हमारे पास। अच्छा बताओ क्या लोगे, कुछ ठंडा या फिर कुछ गर्म? आपकी जो इच्छा हो वो ले आइए। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो मैं वही लाती हूँ, हमारे वाला फेवरेट। अरे सिंदर मेरा पैक और मत बना, तुझे तो पता है ना मेरा पहले ही ज्यादा हो गया, अब नहीं। चलो ठीक है हम दोनों पी लेते हैं। थैंक यू। चीयर्स। अरे इतना क्यों शर्मा रहे हो, पी भी लो। हाँ वैसे तुम्हें कितना टाइम हो गया ये सब करते हुए? जी यही कोई 2-3 हफ्ते। 2-3 हफ्ते मतलब मार्केट में नया है? अच्छा फिर तो तुम्हें थोड़ा ही टाइम हुआ है, तुम नए नए आए हो। अच्छा वैसे तुम ये सब कर क्यों रहे हो? देखिए वैसे दिल से इच्छा तो नहीं है ये काम करने की, पर घर की थोड़ी मजबूरियां हैं, पैसे चाहिए इसलिए करना पड़ता है। मजबूरियां? मजबूरियां तो पता नहीं इंसान से क्या करवा देती हैं, पर हम मजबूर नहीं है, हम तो शौक में करते हैं क्योंकि पैसा बहुत है हमारे पास, शौक का शौक और मजे के मजे। अच्छा वैसे आप क्यों खाली बैठे, आप भी लीजिए ड्रिंक पीजिए। अरे नहीं नहीं मेरी ना पहले ही बहुत ज्यादा हो गई, अब और नहीं। देखिए आपको देख के लगता नहीं है आपको नशे भी होते होंगे, आपको तो पीने मजे आते हैं ना, पी लीजिए। क्या बात है, बहुत नॉटी हो रहा है, चल ला पिला दे। अच्छा वैसे मेरा भी एक सवाल है आपसे, आपको इन चीजों की लत कब और कैसे लगी? लत नहीं है हमारे शौक है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है हम ये सोचते हैं खर्च कहाँ करें, तो इसीलिए हम अपने शौक पे खर्च करते हैं, शौक पे। अच्छा तो आप ये सिर्फ मजे के लिए करते हैं। अच्छा वैसे मेरे अलावा भी आपने और लड़कों को यहाँ बुलाया होगा? हाँ यहाँ पे तो बहुत लड़के आते हैं, और तुझे पता है जो हमारी बात मानता है उसे तो हम पैसे देते हैं, और जो हमारी बात नहीं मानता उन्हें तो हम मार देते हैं। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो ये सारी बातें? वो मैं इसलिए पूछ रहा था बिकॉज मेरी कुछ जान पहचान ना पुलिस वालों से भी है, तो कभी आपको कोई केस फंसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं उस केस को बड़े प्यार से ही सॉर्ट करवा सकता हूँ। पुलिस वाले? अरे पुलिस वाले तो यहाँ रहते हैं जेब में, समझा? चल अब बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से ना कपड़े निकाल। हाँ बिल्कुल कपड़े तो निकल नहीं है, लेकिन मेरे नहीं आप दोनों के, वो भी जेल में। क्या 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 मतलब है तेरा, क्या बोलना चाहता है? मतलब कि ये मैं इस एरिया का नया पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मुझे इस एरिया से काफी कंप्लेंट मिल रही थी कि यहाँ पे दो औरतें कुछ लड़कों को बुलाती हैं घर पे और कुछ गलत काम करती हैं, और उनके इसमें ऐसा भी हुआ है यहाँ पे आए तो बहुत लड़के हैं कुछ घर पहुंच गए और कुछ अभी तक गायब है, और देखो
वो दो औरतें आज मेरे सामने हैं, तुम दोनों को मैंने पकड़ लिया है। और अच्छी बात तो ये है, तुमने अपना जुर्म अपने मुंह से ही कबूल कर लिया, तो मुझे और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, किया है हमने। अब तेरे पास ऐसा क्या सबूत है जो तू हमें जेल लेके जाएगा? और तू क्या कह रहा था कि तू पुलिस वाला है, है? अरे तेरे जैसे पुलिस वाले ना रोज 36 आते हैं 36 जाते हैं। चल निकल यहाँ से। आया बड़ा यहाँ से जेल ले जाने वाला। तुम्हें क्या लगता है अगर कोई आप पुलिस ऑफिसर आएगा तो उसने कोई तैयारी नहीं की होगी? हाँ, गलत जवाब। ये फोन ना ऐसी चीज है, हर चीज को रिकॉर्ड करता है। जब से मैं यहां पर आया हूं, तुम दोनों की एक एक बात इस फोन के माइक्रोफोन ने और इसके कैमरे ने सब रिकॉर्ड किया, और ये सबूत तो काफी है तुम दोनों को जेल में डालने के लिए। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल देखते रहोगे या चलोगे? नीचे वैन खड़ी तुम्हारे लिए, आ जाओ।